और उस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से और श्रीनगर से सैयद आगा रूहुल्ला चानू जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दो सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। देखिए, उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से और श्रीनगर से सैयद आगा रूहुल्ला चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। न्यूज 18 इंडिया के साथ चलिए एक ऐसे अनोखे सफर पर जो ले जाएगा आपको गली कूचे, मोहल्ले कस्बे, गांव गांव, शहर शहर, देश के हर चुनावी मुद्दे तक। टीवीएस रीडर, भारत रिपोर्टर, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख और अहमदाबाद से प्रत्याशी रोहन गुप्ता समेत कई राज्यों के कांग्रेस नेता बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी की 11वीं लिस्ट में यूपी के भदोही सीट पर उम्मीदवार किया घोषित। बीजेपी ने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को बनाया है कैंडिडेट। यूपी के बिजनौर से सांसद मलुक नागर आरएलडी में हुए शामिल। टिकट न मिलने से नाराज मलुक नागर ने छोड़ी थी बीएसपी। महाराष्ट्र कांग्रेस में घमासा जारी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और कई अन्य पदाधिकारी जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में हाईकमान के नेताओं से होगी उनकी मुलाकात। मुंबई में कांग्रेस को 3 सीटें मिलने को लेकर वर्षा गायकवाड़ करेंगी कांग्रेस आलाकमान से बात। सीट शेयरिंग और नाना पटोले को लेकर पहले केसी वेणुगोपाल से शिकायत कर चुकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के वेश में तैनात रहेगी पुलिस। मंदिर में नो टच रूल लागू नहीं होगी, कोई धक्का मुक्की। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस को पुजारी के वेश में तैनात करने के फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बोले ऐसा आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान, बोले पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। महाराष्ट्र में एनडीए के महायुति गठबंधन में अभी भी 7 सीटों पर फंसा है पेज। ठाणे, पालघर, संभाजीनगर, नासिक समेत मुंबई की 3 सीटों पर भी खींचतान। शिंदे गुट का महायुति की सीटों को लेकर बड़ा बयान। संजय खिरसाट ने कहा गठबंधन में सीटों को लेकर विवाद खत्म, आज हो सकता है सीटों का ऐलान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले देश की संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस ने कुचला, बीजेपी संविधान को मानती है सर्वोपरि। जेडीयू का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, नीरज कुमार बोले जेडीयू ने आपको दी थी 17 महीने की नौकरी, आपकी असफलता की वजह से बरखास्त करना पड़ गया। बीजेपी नेता सुखांतो मजूमदार का चुनावी बॉन्ड को लेकर टीएमसी पर बड़ा हमला, कहा टीएमसी ने 97% बनाया चुनावी बॉन्ड जबकि बीजेपी ने 50% का किया इस्तेमाल। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार किया, जेल में 6 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार, जेपी नड्डा ने की गोंदिया में जनसभा, 14 अप्रैल को सकोली और भंडारा में अमित शाह की रैली होगी।